नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। हाथरस सादाबाद पुलिस और बदमाशों की हुई मुठभेड़ में एक बदमाश के लगी गोली। आज सादाबाद जनपद हाथरस द्वारा थाना सादाबाद पर सूचना दी कि अज्ञात मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति लूटपाट करने के आशय से उसके घर में घुसकर तमंचा दिखाकर उसके गले से चैन छीनने तथा लूटपाट करने का प्रयास किया गया था, जिसके संबंध में वादी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना सादाबाद पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। उक्त प्रकरण को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक हाथरस तेजतर्रार निपुण अग्रवाल द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक हाथरस अशोक कुमार के निर्देशन में तथा क्षेत्राधिकारी सादाबाद के नेतृत्व में टीमों का गठन कर घटना के अनावरण एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके क्रम में टीमों के कठिन परिश्रम व अथक प्रयासों प्रांत तथा धरातलीय साक्ष्य टेक्निकल एड व प्राप्त लाभप्रद सूचना की मदद से थाना सादाबाद पुलिस द्वारा पुलिस मुठभेड़ के उपरांत आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी कार्यवाही में एक शातिर अभियुक्त घायल हो गया है तथा एक अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम के नाम: प्रभारी निरीक्षक मुकेश कुमार थाना सादाबाद, मय टीम तथा मय एसओजी सविलांस टीम जनपद हाथरस। आइए जानते हैं अपर पुलिस अधीक्षक ने क्या कहा। इंडिया न्यूज 28 के लिए हाथरस जिला ब्यूरो चीफ पवन गुप्ता की रिपोर्ट। सर, आज जो पुलिस मुठभेड़ हुई है, क्या प्रकरण है? दिनांक 10 जनवरी को थाना सादाबाद में कस्बा खजूर वाली गली के संदर्भ में एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें दाऊद दयाल ज्वेलर्स के घर में घुसकर तीन अभियुक्तों ने लूट का प्रयास किया था। इस संबंध में थाना पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था। आज मुखबिर की सूचना पर कि उस घटना से संबंधित अभियुक्त आज इधर से गुजर रहे हैं, इस घटना पे संज्ञान लेते हुए थाना प्रभारी सादाबाद द्वारा पूरी टीम के साथ मुरसान चौराहे पर चेकिंग की जा रही थी। एक बाइक पे दो बाइक सवार व्यक्ति तेजी से उधर से गुजरे, उनको रोकने का प्रयास किया गया तो वो रुके नहीं। पुलिस द्वारा उनका पीछा किया गया तो कासनी स्कूल के से करीब 500 मीटर आगे सैपऊ रोड पर उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायर किया। पुलिस पार्टी द्वारा आत्मरक्षा जवाबी कार्रवाई करने पर एक अभियुक्त घायल हुआ है और एक अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई है। घायल अभियुक्त को उपचारार्थ अस्पताल रवाना किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ में उसके द्वारा बताया गया कि उसका नाम प्रदीप है और जो घायल अभियुक्त है उसका नाम अभिषेक पारासर है। इन दोनों के द्वारा दिनांक 10 जनवरी को दाऊद दयाल ज्वेलर्स के घर में घुसकर घटना कारित की गई थी। घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल की बरामदगी की गई है और इनके घायल अभियुक्त के पास से एक तमंचा 315 बोर और दो कारतूस जिंदा, दो खोखा कारतूस बरामद किया गया है। पुलिस द्वारा प्रकरण में अग्रेतर विधिपूर्ण कार्रवाई की जा रही है। ओके, थैंक यू सर।